पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी जीके के 600 प्रश्न लेकर के आया हूँ। अगर आप इन 600 प्रश्नों को एक साथ लगा लेते हैं तो निश्चित ही आपका कोई भी एग्जाम आप देने जाओ उसमें आपका यूपी जीके का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगाइएगा। मैं आपको 600 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको लगातार अपने चैनल पर यूपी जीके के बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ, जो आने वाली यूपीएससी परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग यूपी जीके का इस प्रैक्टिस सेट को लगा लें और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 600 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने पहला कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है। तो किस जिले में किया जाता है, तो ये किया जाता है आगरा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई या जिसे कहते हैं कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त तो समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आगरा जिले में जो रुई होती है उसके बुवाई का कौन सा समय, ऑप्शन आप चारों देख लीजिएगा। तो कौन सा समय, तो ये है अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो क्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत, तो ये है 20.23%, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है। तो किस जिले में अफीम की फैक्ट्री, ये आपको बताना है। तो ये गाजीपुर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। तो किस जिले में रेल कोच फैक्ट्री, तो ये है रायबरेली में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है काशी का प्रसिद्ध मंदिर, तो ये है गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय जिसे कहते हैं गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स स्थित है। तो किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ प्रसिद्ध है चिकन कारीगरी के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो किस उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, तो ये है कांच के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने की जनगणना और रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है। तो क्या है बाल लिंगानुपात, तो ये है 902, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले आपके सामने स्वतंत्र भारत में किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो कौन थी स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता, तो ये नहीं लगाता है सीतापुर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने की उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर स्थित है। तो कौन सा जिला स्थित है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर, तो ये है बलिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग की नगरी कहा जाता है। यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के पुजारी भी थे? तो कौन थे? तो ये आप सभी जानते कि योगी आदित्यनाथ थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने से, सारनाथ वह पर्वत स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक है? तो किस शहर के बहुत नज़दीक है सारनाथ, ये आपको बताना है। तो ये है वाराणसी के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर मिलेगा? तो किस शहर में मिलेगा 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर, ये आपको बताना है। तो ये मिलेगा वृंदावन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो किस सीमा के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड? तो ये आता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो ये मनाती है थारू। कौन सी? थारू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो किस जिले में किया गया था सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ? तो ये किया गया था अलीगढ़ में। कहाँ? अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बनारस में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है, तो कितना है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात? तो ये है 912, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी? तो ये है सारस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय? तो ये स्थित है रामपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि आमिर खुसरो का जन्म स्थान है, तो आमिर खुसरो का जन्म स्थान कौन से ज़िले में हुआ था? तो ये हुआ था एटा में, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी है, तो कहाँ पर है? तो ये है इटावा में, तो ऑप्शन दिखा देते हैं आपको इटावा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, तो प्रसिद्ध चरकुला जो नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रजभूमि से। किससे? ब्रजभूमि से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि औद्योगिक अविश्रोता विज्ञान केंद्र स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में 2016 में प्रवासी दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 4 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी, तो आसरा योजना कब लागू की गई थी यूपी में? तो ये की गई थी 2013 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ पर है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान? तो ये है कानपुर में। कहाँ? कानपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपके सामने गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों की एक संयुक्त परियोजना है। तो गंडक सिंचाई परियोजना वो किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है, तो ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो किस राज्य में होता है गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक, तो ये होता है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो कौन थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये थी सुचेता कृपलानी। कौन सी, सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने उत्तर प्रदेश के में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है। तो किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। तो किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है, तो ये होती है तराई का इलाका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। तो किन जिलों में होती है पटसन की खेती, तो ये होती है देवरिया और गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। तो किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक, ये बताना है, तो ये है जौनपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश का मलियावादी किस लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है मलियावादी, ये आपको बताना है, तो ये है दशहरी आम, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि हाल ही में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धा पेंशन की धनराशि कितने से बढ़ाकर की गई है। तो कितनी बढ़ा दी गई है, तो ये बढ़ा दी गई है 400 रुपये से 500 रुपये प्रति माह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो किस जिले में सबसे अधिक लिंग अनुपात है, तो ये है जौनपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणिक बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT की सुविधा आरंभ की गई। तो किस राज्य में की गई थी, तो ये की गई थी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन से, पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोचा दरगाह शरीफ स्थित है। तो किस जिले में किछोचा दरगाह शरीफ, तो ये स्थित है किस जिले में, ये है अंबेडकर नगर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने लठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है लठमार होली के लिए, तो ये है बरसाना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटबॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। तो किस शहर में, तो ये है आगरा में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। तो किसकी है पूसा बोल्ड एक प्रजाति, तो ये सरसों की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि गेहूं में बोनेपन का जीन है, तो ये नॉरिन 10। कौन सा, नॉरिन 10, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सूची एक में सूची दो का मिलान करना है, और मिलान देख लीजिएगा, आपको मिलाना है तो मिला लीजिएगा। तो इसका तो गन्ना, एक तरफ गन्ना, एक तरफ फसल, एक तरफ बीमारी का नाम दिया गया। तो गन्ना में कौन सी बीमारी होती है,
तो गन्ना में होती है रेड और रॉट, उंगला हो जाएगा कि धान में कौन सी होती है, तो इसमें होती है खैरा। अरहर में कौन सी होती है उकटा, और आलू में होती है झुलसा। ठीक है, अगला है आपके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत की उत्तर प्रदेश राज्य की डॉट डॉट में एक स्थित कृषि विश्वविद्यालय है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, तो ये मेरठ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की घोष बाग के हमारी जनगणना हमारा भविष्य, निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष बाग था, तो किसमें था, ये था 2011 का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश ही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका उत्तर प्रदेश में डॉट डॉट में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट घोषणा में की गई है, तो कौन से बजट में की गई है ये आपको बताना है, तो ये की गई है 18 मंडल में, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो ये नहीं है विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला नहीं है, तो आप जानते कि देहरादून उत्तर प्रदेश का एक ज़िला नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है, तो कौन सा मेला नहीं लगता है इलाहाबाद में, तो ये नहीं लगता है बैसाख मेला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र डॉट डॉट में स्थित है, तो कहाँ पर है इसका क्षेत्रीय केंद्र, तो ये है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, तो जो गिद्धा नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम पर स्थित है, तो किसके, ये तो ये गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि एक भारतीय परिवहन संस्थान यूपी में यह स्थित, तो यूपी में कहाँ पर स्थित है, तो यह है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो कौन होता है उत्तर प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख, तो ये होता है राज्यपाल, कौन सा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था, तो किसने प्रस्तुत किया था 2021 का वार्षिक बजट, तो ये प्रस्तुत किया था सुरेश खन्ना ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, ये आपको बताना है, तो ये स्थित है लखनऊ में, इसमें जो प्रयागराज दिएगा पहले प्रयागराज में था अब लखनऊ में, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग का चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में चयन प्रक्रिया से, तो ये नहीं है भाषा परीक्षण जिसे अपन कहते हैं साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर के चित्र हैं, तो कौन से जानवर के चित्र हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में, तो ये हैं मछली के, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग हैं लाल और नीला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को डॉट डॉट दौड़ने की ज़रूरत है, तो
कितने मिनट में आपको एक पुलिस की दौड़ लगानी होती है, तो आप जानते हैं कि 25 मिनट में 4800 मीटर की आपको दौड़ लगानी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो ये है इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले आपके सामने, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, तो कब घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा, तो ये घोषित किया गया था 1989 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो कहाँ पर है, तो ये झांसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित NTPC संयंत्रों में से कौन सा कोयला आधारित नहीं है, तो कौन सा कोयला आधारित नहीं है, तो ये जो औरैया में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थित हैं, तो किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थित हैं, तो ये स्थित हैं आपके ऊपरी गंगा नहर पर। किस पर? ऊपरी गंगा नहर पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है, तो कौन सा है अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला, तो ये है हमीरपुर। कौन सा? हमीरपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, संत कवि मल्लुकदास थे, तो संत कवि मल्लुकदास कहाँ के थे, तो ये थे खड़ा कौसाम्बी के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने, महोदया किसका पुराना नाम है, तो किसका पुराना नाम महोदया, तो ये है कन्नौज का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र स्थित, तो कहाँ पर स्थित लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र, तो ये है गाजियाबाद में, गाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो कहाँ पर दी गई थी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी, तो दी गई थी फैजाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो कहाँ पर है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, तो ये रामपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की, मिर्जापुर प्रसिद्ध है, तो किसके लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध, तो ये है कजरी के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं, तो किस बोली के क्षेत्र हैं बहराइच सुल्तानपुर, ये है अवधी के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो ये है बुंदेलखंड का। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की, सूची का सूची दो से आपको मिलान करने का मेला दिएगा, एक तरफ उनके स्थान दिए गए हैं, तो मिलाइएगा और देख लीजिएगा किसका मिलान कहाँ से है। तो जो गोविंद साहब मेला ये लगता है अम्बेडकर नगर में, ठीक है। और अगला कौन सा है, कैलाश मेला, तो ये कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है बहराइच में सैयद सालार, तो ये कहाँ पर दरगाह है, तो ये आगरा में। और शाकुंभरी देवी मेला ये लगता है अम्बेडकर नगर में, ठीक है। तो इसके मिलान हमने आपके करा दिए हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो कौन थे जब PAC विद्रोह हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो ये थे कमलापति त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, तो किसकी अवधि न्यूनतम है, तो ये मूंग की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांदा जनपद में पाटा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं, तो क्या है पाटा क्षेत्र के मुख्य निवासी बांदा जिले में, तो ये खरवार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की, ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं, तो कहां पर बनाए जाते हैं, ये आपको बताना, तो ये बनाई जाती है चुनार में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना,
तो कौन सी है, यानी BHU किस शहर में स्थित है, तो किस शहर में BHU स्थित है, तो ये है वाराणसी में। वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये ध्यान में ला लीजिएगा आपको कि BHU किस शहर में, तो ये वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रमुखता कहाँ उगाया जाता है, तो कहाँ पर उगाया जाता है प्रमुखता नींबू, उत्तर प्रदेश में, ये आपको बताना है। तो नींबू उगाया जाता है सहारनपुर और मेरठ में सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो ये रहती है 17.73%, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की, तो किसने की थी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना, तो इसकी स्थापना की थी शिव प्रसाद गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश की किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये चंदौली में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो किस वर्ष मिला था गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न, तो ये मिला था 1957 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता, तो कौन जाना जाता है, तो ये जाना जाता है खुर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो कौन सा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो ये है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही, तो कहाँ पर की जा रही आईटी सिटी की स्थापना यूपी में, तो की जा रही लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, आपको मिलान लीजिएगा, देख लीजिएगा आप चारों ऑप्शन, इसके बाद आप मिला लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन जो चारों ऑप्शन है वो स्क्रीन पर क्लियर शो होने, चलिए मैं आपको क्लियर शो करा देता हूँ, तभी आपको समझ में आ पाएगा चारों ऑप्शन। तो चारों आप देख लीजिए, झांसी, तो झांसी किसके लिए है, तो झांसी है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए का सी से मिलान हो जाएगा, ए का तीसरे से मिलान होगा, किसने तीसरे से मिला लीजिएगा ए को। नेक्स्ट है कानपुर, कानपुर किसके लिए ये आपको बताना, तो कानपुर है आपका जीएस विद्यार्थी मेमोरियल कॉलेज, बी का एक हो जाएगा। आगरा किसके लिए, तो आगरा है एनएन मेडिकल कॉलेज, चौथा से गोरखपुर हो जाएगा आपका बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज, दूसरा से मिलान, ठीक है। अगला है आपके सामने की बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है शेर ए बलिया के नाम से चित्तू पांडे को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, उत्तर प्रदेश राज्य में पारिक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया, तो किस नदी पर बनाया गया पारिक्षा बांध, तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया, तो किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया, तो ये नाम दिया गया तो 1950 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था, तो कौन था उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये थे हो रमस जी फिरोज शाह मोदी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कीतम झील और सर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास हैं, तो किस शहर के पास हैं, तो ये हैं आगरा के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श बाघ सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा
हमारा संकल्प, तो किस राज्य का है, तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो किस जिले में इखलास खान का रोजा है जिसे कहते हैं मकबरा, तो ये बदायूं में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इस राज्य के एक अन्य जिलों से घिरा हुआ यानी किसी भी अन्य राज्यों या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा है, तो ये है हरदोई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, तो किस जिले से हैं अमिताभ बच्चन, तो ये प्रयागराज से, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बांकी बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो कहाँ पर है बांकी बिहारी मंदिर, तो ये वृंदावन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद और मेरी मेहनत पसंद आ रही तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो सहारनपुर किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये लकड़ी पर नक्काशी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो किस जिले में पक्षी अनुसंधान, तो ये बरेली में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासक का शासन था, अवध शासन पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी, तो कौन सी उपाधि अपनाई थी, तो ये अपनाई थी नवाब की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौदहवीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो कहाँ पर है अटाला मस्जिद, तो ये है जौनपुर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रदेश के निम्नलिखित उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान डीआई टैग प्राप्त है, तो किन किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है ये आपको बताना है, तो कन्नौज का इत्र को प्राप्त है, गोरखपुर का टेराकोटा को प्राप्त है, लखनऊ की चिकनरी को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी यानी सभी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन ने डॉट डॉट में भद्र विहार नामक ग्रंथ की एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी, तो कहाँ पर की थी राजा हर्षवर्धन ने बृहद केंद्र की स्थापना, तो ये की थी हरिद्वार में, नहीं सॉरी हरिद्वार नहीं कन्नौज में की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया, तो किस जिले को शामिल किया गया NCR में 23वें जिले के रूप में, तो ये किया गया शामली को, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता है मथुरा के आसपास के क्षेत्र को, तो ये कहा जाता था सूरसेन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, तो कौन थे हिंदुस्तान के संपादक, तो ये थे मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो कहाँ पर है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, तो ये है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, तो कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में, तो ये रहती है माहीगीर, कौन सी माहीगीर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची एक का सूची दो से मिलान का एकता औद्योगिक केंद्र एकता उनकी प्रमुख उद्योग, तो मिला लीजिएगा किसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो मिला लीजिएगा और इसका आपको राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है आपके सामने की भारत खंडित संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, तो कब बना था, तो ये बना था 2001 में, कब 2001 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रानी लक्ष्मी बांध अवस्थित, तो रानी लक्ष्मी बांध किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, तो देख लीजिए और बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क
खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में ये सही है, खाद्य पार्क नोएडा में ये भी ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में ये भी सही है, भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आगरा में नहीं लखनऊ में, सॉरी आगरा में नहीं कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न में आपको सूची एक का सूची दो से मिलान दिया, एक तरफ जनपद दिया गया, एक तरफ उनके मुख्यालय दिए गए, तो इसका आपको मिलान करना है। ठीक है, तो आपको बताना कि अम्बेडकर नगर का कहाँ पर है मुख्यालय, तो आपको बताना कि अम्बेडकर नगर का मुख्यालय है अकबरपुर में। ठीक है, कानपुर दियार का अकबरपुर माती में, चालौन का है उरई में, और सिद्धार्थ नगर का है नौगढ़ में। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है, तो कहाँ पर है कृत्रिम रबड़ का कारखाना, तो ये मोदी नगर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो किस ये दिया जाता है संस्कृत संस्थान को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई, तो कहाँ पर है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, तो ये है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, तो गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, दो ऑप्शन ये देख लीजिएगा, बाकी के दो ऑप्शन ये रहे, तो जो वाराणसी है गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, विंध्याचल मिर्जापुर में सही है, देवस्त्रीप की दरगाह बारंग में सही है, हस्तिनापुर मेरठ में ये भी सही है, जो श्रृंगरपुर ये फैजाबाद में नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीडा है, तो गीडा क्या है ये आपको बताना है, तो गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास नगर निगम स्थापित है, तो कहाँ पर स्थापित, तो ये कानपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले आपके सामने उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष कौन चुना गया, तो कौन थे 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष ये आपको बताना है, तो ये थे हृदय नारायण दीक्षित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगम समरूप ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो कहाँ पर करवाया था बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण, चारों ऑप्शन है आपके सामने, तो कराया था सरधना में, कहाँ सरधना में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर ये संस्थान स्थित है, तो ये है आगरा में, कहाँ आगरा में, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा और बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि संकिसा ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आंवले के का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो ये प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया था प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, तो किया गया था चित्रकूट में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो ये आरंभ किया गया था 1995 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है, तो किस जनपद की न्यूनतम जनसंख्या, तो महोबा की है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है, तो ताजमहल बेरंग क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है, तो निकाला जाता है राई से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित, तो ये संबंधित है आलू से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन उच्चतम है, तो ये है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि डॉक्टर विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गणितज्ञों से गठित। तो ये सही है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिससे उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव साहित्य माध्यम विश्वविद्यालयों के शिक्षक होते। तो ये और बी इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में डॉट डॉट सीटों का योगदान है। तो कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की? तो ये हैं 80। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधानसभा परिषद को स्थगन कर सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी सही है। और राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग है? तो कुल कितने अनुभाग हैं? तो ये अनुभाग है 6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आर्म कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रावधान केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था नागों का प्रावधान केंद्र? तो ये था मथुरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल का वास्ताक्षर किए का वास्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 7 दिसंबर 1947। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1994 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने भी किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? तो किसके तत्वाधान में ग्रहण करते हैं? तो ये करते हैं राष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितने साल है? तो कितने साल है? तो ये है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? तो किसे होता है? तो ये अधिकार होता है राज्य की विधान सभा को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में सुरक्षा कवच योजना कब लागू की गई? सुरक्षा योजना लागू की गई तो किसके लिए है यह योजना? तो ये है महिला सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया तो ये किया गया था 11वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नकेल से संबंधित? तो ये ऑटो रिक्शा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये मूंगफली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में उत्सव आयोजित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में कौन सा उत्सव होता है? तो ये होता है कजरी महोत्सव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिजनौर से होकर बहती है? तो कौन सी नदी बिजनौर से होकर बहती है? तो गंगा नदी है जो बिजनौर से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइम कैप्सूल प्रदेश में कहाँ रखा जाएगा? तो कहाँ पर रखा जाएगा टाइम कैप्सूल प्रदेश में? तो ये रखा जाएगा राम मंदिर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक प्रदेश के किस शहर में खोला गया? तो कहाँ पर खोला गया था मदर मिल्क? तो ये खोला गया था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं तो आप बताइएगा। तो ये किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रदेश में 50 लाख साल पुराने विलुप्त हाथी का जीवाश्म कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो इसके चार ऑप्शन रह गए, तो इस प्रश्न को आप काट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नकेल से संबंधित, तो बता चुका हूँ ऑटो रिक्शा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न हो चुका है। अगला प्रश्न है आपके सामने, साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार महत्तम सम्मान 2019 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था विश्वनाथ तिवारी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इस तरफ दिए गए उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतक और उनका गुरुकुल, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, मिलान करना है। तो ये जो राजन तथा साजन मिश्रा ये वाराणसी, इनका गुरुकुल सही है। पंडित रविशंकर वाराणसी सही है। अमजद अली खां अमरोहा सही है। जो हरिप्रसाद चौरसिया ये वृंदावंशी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत उत्तर प्रदेश के तवायफों तथा कोटों से संबंधित है? तो कौन सा संबंध है, तो ये संबंधित है आपका चैती, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां वर्ष 2019 में संस्कृति ग्राम की स्थापना की गई, तो कहाँ पर की गई, तो ये की गई थी कुंभ क्षेत्र प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ये उत्तर प्रदेश की सतत विकास लक्ष्य का प्रमुख अवयव नहीं है? तो कौन सा अवयव नहीं है, तो ये शांति इसका अवयव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रज क्षेत्र का भाग नहीं है? तो कन्नौज ब्रज क्षेत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो सौरव मेला है ये प्रयागराज में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक भक्ति काल का प्रमुख केंद्र नहीं था? कौन था नहीं भक्ति काल का प्रमुख केंद्र, तो ये अयोध्या नहीं था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि मूल्य योजना की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी कृषि मूल्य योजना की स्थापना, तो ये हुई थी जनवरी 1965 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की खोपड़ी चंद्रमुखी प्रजाति है, तो किसकी है खोपड़ी चंद्रमुखी प्रजाति, तो ये है आलू की। किसकी? आलू की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो ये है चना का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की निम्नलिखित में से कौन सा फल गरीबों का सेब कहलाता है? तो जो बेर है ये गरीबों का सेब कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉट कुक्ड फूड योजना का संबंध है, तो किससे है हॉट कुक्ड फूड योजना का संबंध, तो ये उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भोजन सुलभ करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमृत संस्कृत धरोहर स्थल में सूचीबद्ध है? तो कौन सा है, तो ये कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो जो भूमि पर जीवन नगर विकास ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में आइकॉनिक पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने वाली 17 स्थलों में से कितनी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो ये स्थित हैं 2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल की संख्या थी? तो किस राज्य में थे सर्वाधिक रामसर स्थल, तो ये हैं उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म अभिनेता डॉट यूपी में स्वच्छता अभियान के ब्रांड अम्बेसडर होंगे, तो कौन से हैं उत्तर प्रदेश में स्वच्छता के ब्रांड अम्बेसडर, तो ये अक्षय कुमार। कौन से हैं? अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की जनवरी 2020 में राष्ट्रीय युवा उत्सव की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर के द्वारा की गई?
तो किस शहर ने की थी, तो ये की थी लखनऊ ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई, तो ये की गई है गोमती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आपका जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का है, सॉरी मैं उत्तर प्रदेश बोल गया, भारत का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं बीच बीच में कुछ प्रश्न छोड़ देता हूँ वो थोड़े में थोड़ी गलती है, इसलिए वो मैं प्रश्न छोड़ देता हूँ। अगला है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसर आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है, तो ये नोएडा में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है, तो ये 16.16%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि वर्ष 2019-20 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में, तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कौन सा सही सुमेलित है, चारों ऑप्शन आपके सामने और कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है, तो सांडी वन्यजीव अभयारण्य हरदोई में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने बायोटेक्निकल पार्क व्यवस्थित है, तो कहाँ पर है बायोटेक्निकल पार्क, तो ये है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी स्थापित की गई है, तो कहाँ पर की गई है आईटी सिटी स्थापित, तो ये की गई है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है, तो ये है 100, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2017 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई, तो कितनी निर्वाचित हुई उत्तर प्रदेश की 2017 के चुनाव में, तो ये हुई थी 36, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक, तो ये बता चुका हूँ प्रतापगढ़ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है, तो कितनी है, तो ये कुल स्थानों का एक तिहाई, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुल सीटों का एक तिहाई। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठुमरी गायिका गिरजा देवी जी का संबंध है, तो कौन सी थी, गिरजा देवी थी बनारस घराने से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अति लोकप्रिय धार्मिक पवित्र कल्याण सॉरी धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती, तो ये होती थी गोरखपुर से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो जो जेके मंदिर लखनऊ में ये कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूरिया लोक नृत्य, तो ये बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले आपके सामने कि भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया, तो ये किया था 2003, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो ये है सोनभद्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस नदी पर भारित होते हैं, तो किस नदी पर भारित होते हैं, तो ये होते हैं राज्य की संचित नदी पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का नाम बदलकर कर दिया है, तो इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है विश्वविद्यालय का नाम, तो इसका नाम कर दिया गया है राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत रविदास की जन्मस्थली है, तो कौन सी है संत रविदास की जन्मस्थली, तो ये वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके हाल ही में रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है,
तो ये कर दिया गया सोनभद्र रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मैत्री परियोजना किस स्थान से संबंधित है, तो किस स्थान से संबंधित है, तो ये कुशीनगर से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं करता है, तो कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगाता है, तो ये नहीं लगाता अलीगढ़, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल नहीं खाता है जिनके किनारे वे स्थित हैं, तो अब मिलाइएगा कि गंगा नदी के तट पर कौन सा स्थित है ये आपको बताना है, तो इसका मिलान करिएगा और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो गंगा नदी किनारे बिठूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का दो से मिलान हो जाएगा। गोमती किनारे हो जाएगा आपको जौनपुर, ठीक है, और राप्ती किनारे हो जाएगा गोरखपुर, और सई नदी किनारे हो जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है। अगला आपके सामने कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं, तो कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय आपको बताना, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। तो जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए किस जिले को चुना गया, हस्तनिर्मित कागज के लिए चुना गया जालौन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची एक का सूची दो से आपको मिलान करना है, ठीक है, एक तरफ मंदिर दिएगा एक तरफ उनके जनपद दिएगा, तो दशावतार मंदिर कहाँ पर है ये आपको बताना है, तो दशावतार मंदिर है ललितपुर में, तो ए का हो जाएगा चौथा, यहाँ पर ललितपुर दिख नहीं रहा तो आप देख लीजिए ललितपुर में हो जाएगा ए का चौथा। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये देवरिया में। श्रृंगी मंदिर कहाँ पर, तो ये फरुख कहाँ पर है श्रृंगी मंदिर, तो ये है फरुखाबाद में। और बारह भगवान मंदिर, तो ये एटा, मिलान हो चुके हैं आपके सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोक नेत्र राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है, तो किस क्षेत्र से है लोक नेत्र राहुला का संबंध, तो इनका संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं, तो किनकी स्मृति में उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया है, तो ये प्रारंभ किया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बदायूं ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है तो कहाँ पर है, तो ये बिठूर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह हैं 14 वर्ष तक के बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान करना है, एक सूची एक का सूची देखते तब दिए गए उत्तर प्रदेश के जिले और तब दिए गए खनिज खदान, ठीक है, तो आपको मिलान करना है। तो सोनभद्र किसके लिए है, तो सोनभद्र है चूना पत्थर के लिए, ए का चौथा हो जाएगा। चौथा यहाँ से हम बताता चल रहा हूँ आपको कौन का किसका, ए का चौथा मिला लीजिएगा। ललितपुर के लिए कौन सा हो जाएगा, तो ललितपुर के लिए हो जाएगा आपका तांबा, कौन सा हो जाएगा तांबा। प्रयागराज किसके लिए, तो प्रयागराज के लिए हो जाएगा सीसा बालू। और अगला हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर के लिए नॉन प्लास्टिक फायर किले। अगला है भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो ये किया था 2003 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा। तो इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज हुई है। तो किस जिले में हुई है, तो ये हुई है ललितपुर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के राज्यों में संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना लागू है, तो कहाँ पर है, तो ये लागू है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश किस में विभाजित किया गया है, तो ये विभाजित किया गया है नौशस्त जलवायु क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जो तेल शोधन कारखाना ये आगरा में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला है, तो यह बांदा में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है, तो ये कहां पर है, तो ये है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में सामान्यतः सरकार की स्थापना की गई, तो यह की गई थी बलिया में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए, यानी कौन सा जो है वो गलत है ये आपको बताना है, तो कौन सा गलत है जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जो आगरा है चाकू के लिए नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, चाकू के लिए रामपुर है। सूची एक का सूची दो से आपको मिलान करना, एक तरफ दिएगा ऐतिहासिक स्थल और एक तरफ दिए गए इमारत, तो मिला लीजिएगा आप कि किसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो 84 गुम्बद है ये जालौन में, ऑप्शन नंबर इसका चौथा से मिलान हो जाएगा। जामा मस्जिद है मुरादाबाद में, बौद्ध स्तूप है आपका कहाँ पर है, तो ये कुशीनगर में, कदम कामतगिरी ये चित्रकूट में, ठीक है। अगला है आपके सामने राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है झांसी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रदेश में भूजल सप्ताह कब से कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था 16 से 22 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश में पोषण माह के रूप में किस महीने को घोषित किया गया, तो किस महीने को पोषण के रूप में घोषित किया गया, तो ये किया गया सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने चंद्रशेखर द बेस्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री ने किया, इस पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं हरिवंश और रविदत्त वाजपेयी, ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने कि जल चिकित्सालय निम्नलिखित में से किस जानवरों के लिए मथुरा में खोला गया है, तो किसके लिए खोला गया, तो ये खोला गया है हाथी के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि प्रदेश के किस शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो किस शहर को किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है मॉडल सिटी के रूप में वाराणसी नई काशी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कुल है, तो कितना है, तो ये 7.33%, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, तो आपको कौन से उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, तो ये श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है, तो ये है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, तो कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य ये आपको बताना, तो यह राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है, तो कुंभ मेला नहीं लगता है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है तो ये लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एबिस्टस पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है एबिस्टस, तो ये पाया जाता है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो कौन सा प्रभावित क्षेत्र है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर
ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम स्थापित, तो कहाँ पर स्थापित है, तो ये स्थापित है कानपुर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर है, तो ये है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, तो कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है, तो कौन सा है सबसे बड़ा पक्षी विहार, तो ये है लाख बाउसी पक्षी विहार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक मेट्रो रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही, तो कहाँ पर की जा रही है, तो ये की जा रही है नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है मार मृदा, तो ये पाई जाती है झांसी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई, तो कहाँ पर की गई थी प्रथम पुलिस संग्रहालय, तो गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ पर है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये झांसी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में है, तो कहाँ पर है आलू अनुसंधान केंद्र, तो ये मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सस वानकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये है झांसी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि का शुभारम्भ किया, तो कहाँ से शुभारम्भ किया था, तो ये किया था गोरखपुर से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला राज्य जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम ड्रॉप के लिए किसान सिंचाई विद्यालय संचालित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि देश में पंजाब के बाद स्थानीयकृत ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस तैयार करने वाला दूसरा राज्य, तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थारू जनजाति लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की, तो कहाँ पर की है महाविद्यालय की स्थापना, तो इसकी स्थापना की है लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है थारू, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके सामने उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा किस जिले में स्थित है, तो चंद्रप्रभा कहाँ पर है, तो ये है चंदौली में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नगर में है, तो ये है कहाँ पर है, तो ये है आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 18 जून 2001 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ योजना का संबंध है, तो किससे लखनऊ योजना का संबंध, तो ये है सड़क से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी जनजाति निवास करती है, तो कहाँ पर करती है पहाड़ी जनजाति, तो ये करती है सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल मैंगू रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो कहाँ पर है, तो ये है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला ज़िला, तो ये है आपका मथुरा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला ज़िला, तो ये प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है, तो कंपिल कहाँ पर स्थित है, तो कंपिल स्थित है फर्रुखाबाद में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कहाँ पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कार्यरत नहीं है, तो कहाँ पर नहीं है,
तो ये कार्यरत नहीं है बरेली में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंगी नगर है, तो अनुसंगी नगर कौन सा है, तो अनुसंगी नगर है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाथ नंगरी के तौर पर प्रसिद्ध है, तो कौन सा है नाथ नंगरी के तौर पर प्रसिद्ध, तो ये प्रसिद्ध है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 300 प्रश्न करा चुका हूँ, 300 प्रश्नों की जो सीरीज है वो आपको अगले प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को खूब प्यार दीजिएगा, जिससे मैं आपको जल्द से जल्द अगला जो 300 प्रश्न रह गए हैं उसको मैं प्रोवाइड करा सकूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगा तो बहुत से लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाएंगे। तो ठीक है, कुछ कुछ करके मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद प्यारे साथियों।